आए मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केदार गुप्ता को टिकट देकर अति पिछड़ों का सम्मान किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि कुडनी की लड़ाई सिंडिकेट बनाम जनता की लड़ाई है। कुडनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों को सम्मान दिया है केदार गुप्ता जी को टिकट देकर। केदार गुप्ता जी अति पिछड़े समाज से आते हैं। महागठबंधन के लोगों ने, जदयू ने अति पिछड़ा का अपमान कर दिया और अति पिछड़ा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा को टिकट देकर किया है। यहाँ की लड़ाई कुढ़न्नी उपचुनाव की लड़ाई सिंडिकेट बनाम जनता की लड़ाई है, यानी जनता बनाम सिंडिकेट की लड़ाई है। रोहतास के छात्र छात्राएं बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसको लेकर प्रशासन ने क्रैश कोर्स के माध्यम से शिक्षा के विशेष सत्र के संचालन की शुरुआत की। वहीं से लेकर शेरशाह सूरी इन अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय सासाराम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक के साथ ही समाज सेवी भी मौजूद रहे। वहीं डीएम ने इस मौके पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कई टिप्स शेयर किए। पहला उद्देश्य यह है कि क्रैश कोर्स के तहत हमारे जो भी चयनित बच्चे हैं उनको जिला में टॉप कराना है, पूरे बिहार में उनको टॉप पोजीशन पर दिलाना है। और दूसरा उद्देश्य जो हमने अपने शपथ में लिया है कि जो शिक्षकों की जो प्रतिष्ठा है उसमें जो है सुधार आएगी, समाज में जो गिरी हुई साख है उसको जो है उठाएंगे। और एक अंतिम जो हमारा जो ये है वाक्य है कि हम जो है इस जिला को जो बिहार में सबसे जो है संपूर्ण पढ़ा लिखा जिला है, लिटरेट जिला है, उसको। इधर भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के मध्य विद्यालय बनसप्ती स्कूल में करीब 500 बच्चे नामांकित है, लेकिन कमरा यहां सिर्फ 4 ही है। वहीं इस स्कूल का भवन भी जर्जर हालत में है, साथ ही साथ पानी की भी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चों को पढ़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत जो है टूटा हुआ, वो उससे गिरने बारिश आती है तो चूता है, और हमारे को दिक्कत होती है पढ़ने में। 4 ही रूम है और 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, और 4 क्लास की ज़रूरत है। समस्या तो है, यहाँ कमरों का अभाव है। ये मध्य विद्यालय है और कमरे 4 हैं,